Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi on this end. So, dear friends, today we have two structures, two very similar structures in fact, and they are subject plus V2, means past form of a verb, and subject plus used to V1, right? Everybody knows V2 is the past form of V1, means when we talk about past action, when you use V2. Now, used is also the past of use. Now, the question arises, ke jab dono hi past action ke baare mein baat karega, to phir dono mein antar kya hai? Hum use kaise karenge? V2 bhi past ke baare mein aur used to bhi past ke baare mein. Zone of caution, 2 ke baad yahan pe verb ka pehla form, 2V1 aur V2. Now, so let's unfold the secret behind these two structures. देखो, जब कभी भी आप verb के दूसरे form का इस्तेमाल करो, तो याद रखो, it shows past one-off action. आप पूछेंगे ये one-off action क्या है? यानी वो action, वो काम, जो past में सिर्फ एक बार हुआ हो, उसके लिए हम V2 का use करेंगे. जैसे मैं वहां गया था कितनी बार? एक बार. राइट, मैंने तुम्हें फोन किया था कितनी बार? एक बार. तुम नहीं आए थे कितनी देर के बाद? करें एक बार. यानी एक बार हुआ है और वो खत्म हो गया है. तो जब कभी भी हम पास्ट में उस एक्शन की बात करेंगे जो वन ऑफ होगा, एक बार हुआ और खत्म हो गया, तो उसके लिए V2 का यूज करेंगे. यू नो, हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें बेहतरीन ये लगता है कि हम उसे हिंदी से समझें. जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे बेहतर हम समझ पाएंगे. और अगर हिंदी स्ट्रक्चर लिखें तो आप कहेंगे किया या किया था. ये तो स्ट्रक्चर है, आप समझें कैसे? किया या किया था, ये रिदम करेगा, जैसे आया या आया था, गया या गया था, देखा या देखा था, सुना या सुना था, पढ़ा या पढ़ा था. तो जब कभी भी किया या किया था हो तो आप V2 यूज करें. जैसे मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, तुम आए थे, यू केम, मैंने तुम्हें देखा था, आई सो यू. राइट, तो जब कभी भी पास्ट में वन ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो V2. और हिंदी में कैसे याद रखें? किया या किया था, आया या आया था, गया या गया था, देखा या देखा था, सुना या सुना था, पढ़ा या पढ़ा था, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, आई वेटेड फॉर यू, उसने तुम्हें कॉल किया था, ही कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, आई टोल्ड यू टू गो. इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे कि फिर यूज टू भी पास्ट में इस्तेमाल होता है, तो ये कैसे यूज होगा? तो याद रखो, इट शोज पास्ट हैबिचुअल एक्शन. इट शोज पास्ट हैबिचुअल एक्शन. और आपको पता है हैबिट एक बार नहीं होता, वो बार बार होता है. V2 एक बार और हैबिचुअल एक्शन बार बार. तो आप कैसे समझेंगे हिंदी में? जैसे यह है किया या किया था, तो इसकी जो हिंदी होगी वो होगी किया करता था या करता था. अब आप फर्क देखो, इसमें ता था है, ता था, राइट. अगर कहेंगे वो आया था, इस सेंटेंस में ता था नहीं है ना, तो ही केम. लेकिन वो आता था, ही यूज टू कम, या वो आया करता था, ही यूज टू कम. आप समझ पाए? तो पास्ट में हैबिट की बात होगी और हैबिट एक बार नहीं होती, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन लगातार, यानी उस पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं जो लगातार हम क्या करते थे और अब हम नहीं करते, उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल करेंगे. यानी वो एक्शन जो हम पास्ट में लगातार किया करते थे अब नहीं करते, उसके लिए यूज टू. और हिंदी में कैसे समझेंगे? वो ता था होगा, जैसे किया करता था या करता था, मतलब आता था या आया करता था, पढ़ता था या पढ़ा करता था, इंतजार करता था या इंतजार किया करता था, सुनता था या सुना करता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. इज दैट क्लियर? तो अब दोनों में सेंटेंस में फर्क देखो. वो आया था, ही केम, लेकिन वो आता था, ही यूज टू कम. आपने देखा क्या है? यहां ता था, वो आता था, ही यूज टू कम. वो आया था, यहां ता था नहीं है, तो ही केम. मैंने इंतजार किया था, यहां ता था नहीं है, तो आई वेटेड, लेकिन मैं इंतजार करता था, आई यूज टू वेट, आई यूज टू वेट.
उसने मुझे कॉल किया था, यहाँ ताथा नहीं है, तो ही कॉल्ड मी, वो मुझे कॉल करता था, ही यूज टू कॉल मी, इसलिए अब समझ गए यूज टू और वी टू में। अब आपको पता है कि हर एक स्ट्रक्चर के तीन फॉर्म्स होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे निगेटिव और क्वेश्चन कैसे बोलेंगे। तो जस्ट आप इसे देखें, जब कभी भी हम पास्ट की बात करेंगे वहाँ पास्ट एक्शन की और वो निगेटिव होगा तो डिड का यूज होगा। निगेटिव में डिड नॉट, और याद रखो डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। जैसे वेंट तो डिड नॉट गो, प्लेड डिड नॉट प्ले, सेंट डिड नॉट सेंड। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में, तो डिड नॉट वी वन। और अगर इसकी निगेटिव कहेंगे तो पास्ट है तो डिड नॉट, उसके बाद यूज टू वी वन। माइंड इट, यहाँ पे जो इसके स्पेलिंग है वो है यू एस ई डी, लेकिन जैसे ही डिड का इस्तेमाल किया तो अब हो गया यू एस ई यूज टू, डी इज ड्रॉप्ड, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा। तो निगेटिव पे देखो, वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आता था, ही डिड नॉट यूज टू कम, मैंने उससे बात नहीं किया था, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम, राइट, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम, उसने तुम्हारा वेट किया था, ही वेटेड फॉर यू, वह तुम्हारा वेट करता था, ही यूज टू वेट फॉर यू, उसने तुम्हारा वेट नहीं किया था, ही डिड नॉट वेट फॉर यू, वह तुम्हारा वेट नहीं करता था, ही डिड नॉट यूज टू वेट फॉर यू, मैं उससे बात नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम, इज दैट क्लियर। तो जब कभी भी पास्ट में निगेटिव हो तो डिड नॉट। अब तीसरा है क्वेश्चन, तो जब कभी भी हम सवाल करते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और ये हो गया सवाल, डिड प्लस सब्जेक्ट यूज टू वी वन, राइट, ये सवाल। अब अंतर क्या है, डिड सब्जेक्ट वी वन, यहां भी है डिड सब्जेक्ट वी वन, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है यूज टू, राइट, इज दैट क्लियर। अगर मैं कहूं क्या वो आया था, डिड ही कम, क्या वो आता था, डिड ही यूज टू कम, क्या तुम नहीं गए थे, डिडंट यू गो। अच्छा एक बात जानो, क्या और नहीं मैं दोनों तरह से बोल, डिडंट यू गो या डिड यू नॉट गो, लेकिन बोलने में कौन सा अच्छा लगता है, डिडंट यू गो, तो बोलने में आप ये यूज करें जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं पे निगेटिव। तो क्या तुम नहीं गए थे, डिडंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते थे, डिडंट यू यूज टू गो। और आपको पता है कि क्वेश्चन एक तरह का और होता है डब्ल्यू एच, तो जैसे ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर तो यही होगा, ठीक इसके पहले डब्ल्यू एच हो जाएगा, जैसे क्या तुम गए थे, डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, क्या तुम जाते थे, डिड यू यूज टू गो, तुम कहाँ जाते थे, वेयर डिड यू यूज टू गो, इज दैट क्लियर। तो तीन तरह के सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। तो एक बार फिर देखो, अगर सिर्फ हम बात करेंगे पास्ट में वन ऑफ एक्शन की तो वी टू, और बार बार की बात करें तो यूज टू। वन ऑफ एक्शन हिंदी में होगा किया या किया था, और यूज टू का किया करता था या करता था, और निगेटिव में डिड नॉट प्लस वी वन, और यहाँ डिड नॉट यूज टू वी वन। सो यू नो वॉट, आई ऑलवेज से कि अगर जानना सिर्फ एक किलो इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना 100 किलो इम्पॉर्टेंट है, 100 किलो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक बार जान जाते हो तो आपको 100 बार प्रैक्टिस करना होगा। सो इट इज़ माई सिंसियर हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 यू मस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।